हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गांव में श्यामलत की भूमि पर होगा विकास, प्रधान जेटी देवी। पंचायत समिति सभागार में आईटीसी मिशन सुनहरा कर राजस्थान सरकार और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी द्वारा एक दिवसीय संयुक्त क्षमता वर्धन कार्यक्रम में प्रधान जेटी देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी सुखराम बिशोई ने गांव स्तर पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170(1) के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम में चारागृह विकास समिति गठन किया जाना है। चारागृह विकास मनरेगा के अंतर्गत किए जाने के बारे में बताया गया। इस कार्यशाला के बाद में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सरपंच द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में प्रधान जेटी देवी ने संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बंजर भूमि, चारागृह विकास सहित श्यामलात से जुड़े सभी मुद्दों पर अपनी भूमिका से दो कदम आगे बढ़कर काम करें। श्यामलात के संस्थानों का संरक्षण और संवर्धन के लिए पंचायत समिति सदा तत्पर है। प्रधान ने सरपंचों को बंजर भूमि और चारागाह कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी बात कही। प्रशिक्षण के दौरान क्षमता वर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत संभागियों को ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान FIS जिला समन्वयक हाकम सिंह राठौर ने श्यामलात भूमि के महत्व, उपयोग, श्यामलात संस्थाओं की सुरक्षा प्रबंध की विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर वार्ड पंच की अध्यक्षता में चारागाह विकास समिति का गठन किया जाना है, जिसके माध्यम से चारागाह विकास कार्य करवाए जा सकते हैं। चारागाह का विकास के अंतर्गत खाई खुदाई, वृक्षारोपण, नाड़ी एवं टांका निर्माण, घास चारा लगाने का कार्य कराया जा सकता है। सभी को इस श्यामलात भूमि को बचाना है और ग्राम स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना है और इसमें पूरे समुदाय की भूमि भी जरूरी है। सभी प्रशासन गांव के अभियान में जुड़कर योजना का लाभ लें। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षक समन्वयक दिनेश कुमार ने मोबाइल एप्लीकेशन पर वो फॉर्मेट के बारे में बताते हुए कहा कि हम समय समय पर ऑनलाइन जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, उप प्रधान, सरपंच, सहायक विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सदस्य उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की बाढ़ में से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।